कोई हमारी बात मानते नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं जनहित की। कल इन्होंने जवाब दिया, क्या कहा कि भाई एक भी आदमी किसी एमएलए का रिश्तेदार दिखा दो इसमें कौशल रोजगार योजना में। हाँ भाई इसका मतलब ये समझते हो जो एमएलए के रिश्तेदार है सब नालायक है, कोई काबिल नहीं है किसी के लिए, यही समझते हम तो सब नालायक बैठे ना। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि सिफारिश पर नहीं हुआ, हो सकता मेरिट पर तो हुए होंगे, मेरिट पर तो हुए होंगे, सिफारिश पर कह रहा है उन्होंने जो कहा। कभी 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 कह देते हैं कि तुम्हारी वो करूं, तुम्हारी सरकार में क्या था, तो मुख्यमंत्री जी एक मेरी भी बात सुन लो, क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं सब कुछ। भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए, सब कुछ ये इन्हों के समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी कहा उस टाइम पॉलिसी क्या थी, कोई भी किसी को भी उठा नहीं थी, कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद, चलिए करो। धन्यवाद माननीय सचिवगण। अब मुझे श्री जगदीश नायर, ऐसा हो नहीं सकता जी, नियमों में नहीं, भाव बढ़ा दो। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 15 रुपए बढ़ा दिया ऐसे पे ही, वहीं से देख लो, वहीं से ले लो, 15 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। साहब जिसे निभा न सकूं, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सबर की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं, मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय हम भी दरिया है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुन्द्र से दूर निकलेगा, उसी का शहर वही मुदई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का मेरी खामोशियों का जरा हाउस का मेरे लफज ऑर्डर में ही है, ऑर्डर में है। आप दो मुख्यमंत्री राजन साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हाउस इज ऑर्डर। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भी, गन्ने का भाव तो बढ़ा दो, ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो, नरवाना में एक डॉक्टर था जी दांतों का, हाँ पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं, हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेरोशायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द था लाजमी इलाज, उसके ना उसके पास जमूरा कि
क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं कुछ ना और कुछ हथियार, तो वो बैठ गया, उसको दर्द था बहुत, तो उसने दो शीशी रख रखी थी और पानी की उसमें मिर्चें डाल रखी थी, बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख, मेरी आंख। अरे बोले दांत का दर्द? बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख का। तो ये बात कर रहा है, जान उधर उधर ले जाते हैं। गन्ने का भाव बढ़ा दे, गन्ने का भाव बढ़ाओ मेरे, एक ये गन्ने का भाव बढ़ाओ। सबमिशन ये मेरी सबमिशन ये है जी, गन्ना की जिस तरह से प्राइसिस की बात है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।